ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ मते नमः। ॐ रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वरी नमो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। हैं भाई मेरे प्यारे प्यारे गुल्लू गुल्लू मकरू लोग कैसे हो? ठीक है, बहुत दिन से थोड़ा सा दे नहीं पाया वीडियो वीडियो, पुराना पुराने में ही चला के खींच लिया। आज आपके सामने शायद 11-12 दिन के बाद फिर बैठा हूँ। आप लोग थोड़ा सा मेरा अपना हो इसलिए चिंतित था। क्या करें, हैं समस्या तो आता है, आएगा, नहीं रोक सकते। आपको थोड़ा सा अपना बात बताने के लिए अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था, दागी भी है ठीक है। कल रात को माला पकड़ा और बोला, प्रभु का बात है, काहे दंड दे रहे हो, का बात हो गया। ये बोलने वाला नहीं था, मेरा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन बोल रहा हूँ, आप लोग भी यहाँ से सीखना। मकरुओं को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये महीना थोड़ा सा मंगल के गोचर के बाद फिर से नॉट गुड होने जा रहा है। तो माला उठाया रात को, मेरा पूजा ख़त्म हो गया, जप वगैरह यज्ञ वगैरह समापन हुआ। दोनों यज्ञ करने का कोशिश करता हूँ, दिवा यज्ञ रात्रि यज्ञ। रात्रि वाला अलग मेथड में होता है, दिन वाला अलग मेथड में। रात्रि को बेसिक वैदिक शास्त्र में रात्रि यज्ञ नहीं है विधान, हम लोग बदमाश का करें, कर लेते हैं। तो बाप पगड़ा माला, बोला प्रभु बताओ का हो गया ऐसा, ऐसे का है प्रॉब्लम। तो दो गलती किए थे, उसका दंड मिला। एक तो मेरे कार के अंदर चूहा बदमाशी कर रहे थे, तो बड़ा सा जो चूहादानी लगा दिया आलू देखे, वो चूहा को छोड़े तब जाके थोड़ा सा मुक्ति मिला। गलती तो किए, मारते नहीं है चूहा, हुआ खाते नहीं कभी मांस मछली अंडा दारू, तो जीव हत्या तो पाप लगेगा। लेकिन वो बेचारा शायद कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लगने में जन्म हुआ होगा, तो उसका शत्रुता कर ली। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आप लोग जो करते हो, आप लोगों के लिए खास ये बता रहा हूँ, दो गलती। एक कोई 24 आवर कुंडली विश्लेषण वाला था मेरा, उसमें थोड़ा सा हैरेट रहता है। अगर आप दे दिए हो तो इनकेस, और दूसरा था एक रुद्राभिषेक का पैसा, ये दो कमार। कल पोलो ब्रदर रात माला पकड़ा, लिखित दिया, तब जाके ये सामने आया। देखो पंडित लोग जब ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, अगर गलत किया तो उसका दंड मिलता है। तो वो हुआ यूं था कि रुद्राभिषेक का पैसा सबका हुआ, लेकिन एक का नहीं हुआ था। वहाँ यूं मेरा जो स्टाफ लोग हैं वो व्हाट्सएप को ऑन किया, छोड़ दिया था, वो पीछे पीछे भाग गया। ये जो महात्मा जो पैसा भेजे थे रुद्राभिषेक, उनके नाम का, उनके नाम पे और हुआ नहीं। क्योंकि सोचो जैसे हम लोग व्हाट्सएप खोलते हैं ना, व्हाट्सएप तो खोल दिया, हमारे परम पूज्य स्टाफ लोग पकड़ लो, एक व्हाट्सएप में ऐसा पैसा आया हुआ है, ऐसा खोल दिया, लेकिन और डायरी में लिखा नहीं, मतलब जो रजिस्टर में है उसमें नहीं लिखा है, और दूसरा में चला गया, वो पेंडिंग रह गया, उसके नाम पे हुआ नहीं। मैं भी रजिस्टर हूँ, मतलब रात को 3 बजे सपना आ रहा है कि ये फॉल्ट है बेटा, ठोकाई इसीलिए खा रहा है। आप लोग बोलोगे सर इतने बड़े बड़े लोग पाप कर लेते हैं, बच जाते हैं, आपको कैसे ठुकाई मिलता है? मिलता है सर, अगर नहीं होता तो ये विषय लेके नहीं छेड़ता, क्योंकि वो पैसा पेंडिंग रहा उसके नाम पे, और रुद्राभिषेक ठीक समय में हो नहीं पाया,
और उसका नाम गोत्र भी मेरे रिकॉर्ड में नहीं था। तो भोलेनाथ के जितने सारे भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन शिवगण और जो भी एक्स वाई जेड जो भी समझते हो उनको कष्ट होगा कि नहीं होगा। चलो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, मानता हूँ इस बात का, लेकिन मेरा स्टाफ का गलती तो मेरा गलती है। ऐसे ही एक सज्जन 24 आवर का 5 दे दिए और उनका 3 दिन लग गया हाई प्रेशर के कारण, वर्कलोड बहुत था, 24 आवर के अंदर नहीं हुआ, तो उसका भी दंड है कि मुझे उनको सही समय में काम देना था, अगर जवाब दिया तो। इसलिए मैं 24 आवर के अंदर काम लेता नहीं हूँ, क्योंकि ये तो भगवान का वाणी है। और बड़ा प्रश्न किया माई के पास कि माई ये बता दो कि ऐसे किसको क्या गलती बोल दिया जो मुझे दंड मिल रहा है, कहीं से गलत बोल दिया। एक को गलत बोला था याद आया, लेकिन उसको बचाने के लिए बोला था, झूठ तो नहीं बोला था, एक छोटा सा गलती बोला था, ज़्यादा नहीं, कि मैं जानता हूँ कि बेटा इसको अगर हाँ बोल देंगे फंसेगा, तो इसको ना बोला जाए, लेकिन उसका तो उतना बड़ा लाभ दो दंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिला सर। यानी जो है मुझे ऐसा बोलना है वो फंसे बचे जो होना है हो जाए। तो ये 3 का मेरे गणित के अनुसार, मैं जितना भी जानता हूँ उसके अनुसार, और ये नहीं कह सकता कि आइंदा नहीं करूँगा, यानी मुझे व्यक्ति को बचाने का गलती नहीं करना चाहिए था, उसको फंसने देना चाहिए था, लेकिन किसी को बचाने के लिए एक झूठ कभी कभार काम करता है। झूठ तो नहीं बोला था सर, लेकिन वो व्यक्ति मेरा, हालांकि मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखा हूँ, शायद व्हाट्सएप में देखा रहूँगा, लेकिन दया आता है उसका कुंडली देख के, क्योंकि मुझे पता है आने वाला समय में ये बेटा कंटक शनि में जाने वाला है, बड़ा ठोकाई खाएगा अगर ये गलती किया तो, कुंडली ही ऐसा बोल रहा है, लेकिन मेरा प्रयास था। देखो दंड मिलता है सर, गलती का दंड मिलता है, इसमें तो स्वीकार करना चाहिए, अपना बहादुरी दिखाना कि हमें कुछ नहीं होगा, भगवान को होता है, भोलेनाथ शनि के चक्कर में पानी में छुप रहे थे, हम कौन, जगन्नाथ भगवान शनि के चक्कर में भूखे घूमे, हम कौन, तो इसमें कोई बहादुरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, इनकेस किसी का डिले हो गया, नहीं हो पाया, प्लीज़ रिमाइंडर भेजिए। इंसान है सर, मेरा भी स्टाफ है, प्रेशर में है, कोई कुछ फ़ोन करके इधर उधर बोल देता है, फिर उसको फुसलाओ, आप में से कोई क्रोधित, मैं बोला देख भाई, पेशेंट आर इम्पेशेंट, कोई कुछ बोल दिया, अरे हमको ऐसा बोल दिया, अरे वो तुम्हें नहीं बोला, हमें बोला है, और हम सब रजिस्ट कर लेते हैं। और मेरा प्रार्थना रहता है कि भगवान उसको कुछ नहीं करना, उसको कुछ नहीं होना। तो महाराज, ये जो सज्जन आप रुद्राभिषेक के लिए भेज दिए थे इतना सारा पैसा, ये अगला सोमवार हो जाएगा सर, कृपा करके दोबारा से आपका गोत्र और नाम भेज दें। और जो लोग पहले से भी भेजे हैं सबको बोल रहा हूँ कि भेज दो, सबके नाम पे दोबारा कर लेंगे महारुद्राभिषेक या रुद्राभिषेक। बाई चांस किसी का गलती हो गया होगा, खा लिया रहूँगा, नहीं यार खाता तो नहीं हूँ, लेकिन नहीं काम हुआ होगा। तो अब जब सपनादेश हो रहा है, किसी का एक बाकी रह गया, लेकिन किसका बाकी हुआ मैं परेशान हूँ सर, 2 दिन से ढूंढ ढांड के नहीं मिल रहा है। लेकिन जो लोग पैसा भेजे हो इस वीडियो के माध्यम से, आपको तो अनुरोध करूँगा या प्लीज़ गिव मी रिमाइंडर, ताकि इनकेस अपना गलती हो तो सुधार लें। अकाउंट में है लेकिन व्हाट्सएप में नहीं मिल रहा है, और एक दो नहीं है, एकदम 3,000-4,000 व्हाट्सएप को ढूंढ के निकाल देना,
पाँच पाँच छः छः स्टाफ को लग के लगाने के बावजूद नहीं होता है। तो हेल्प मी प्लीज़, यही कहूँगा जो लोग रुद्राभिषेक के लिए भेजे थे अब। लेकिन मेरे पास जितने का है सबका मैं ऑलरेडी कर दिया, नाम नहीं बोल सकता आप लोगों का वीडियो में, जनरली ठीक नहीं होगा बात। पॉसिबल है जिनको ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ से रुद्राभिषेक करने से वहाँ परिणाम मिलता है, इनके हिसाब को रुद्राभिषेक के लिए आप भेजे हो और नहीं हुआ, मैं नहीं कहता हूँ 100%, लेकिन 30% तो मिल जाता है। मैं देखा हूँ बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, गुरुजी आप उधर से क्या पूजा किए क्या किए, लेकिन हमारा मैटर सॉल्व हो गया बोलते हैं। किसका नहीं हुआ, जिसका श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। हड़बड़ू राम सिंह है, हड़बड़ू माने समझ रहे हो, बोला एक करेगा एक, नहीं तो पकड़ा कार और 2000 किलोमीटर गुजरात से यहाँ पहुँचा। यहाँ भी बोले बेटा तू कर ले, तू जब आया है तो पंडित मिल जाएगा, कम दाम में हमारे उड़ीसा में हो जाता है बाकी जगह से, फिर भी हड़बड़ा के भाग जाए। ऐसे आते हैं हमारे पास विभूति लोग, बड़े बड़े विभूति लोग आते हैं, तो जिसके लिए थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान देवें। तो आइंदा अगर डिले होता है तो आपके पास जो भी स्क्रीनशॉट है उसको भेज के भेज दें, मतलब मेरे पास, मुझे हाई अलर्ट री अलर्ट करवा दें, तो मैं इसके ऊपर आप सभी से माफ़ी और क्षमा भी चाहूँगा। जो लोग जिनका बाई चांस, सबका नहीं होता है, बाई मिस्टेक एक दो ऐसा हो गया तो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। आप बोलोगे आपको ही क्यों दंड मिल गया, बाकी लोग तो बड़े बड़े खा के पी के हजम कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, राइट। वो भगवान ओशो का एक बहुत अच्छा कहानी है, शायद अकबर राजा के दरबार में चार मंत्री, एक मंत्री, चारों मंत्री को एक ही गुनाह के लिए सजा दिया जा रहा, और उसमें बिरबल साहब भी थे, और अकबर राजा चारों को अलग अलग दंड दिए, एक को बोले फांसी में झाल दो, एक को बोले जेल में डाल दो, और एक को बोले 10 कोड़ा लगाओ, और चौथा को खाली उसको देख लिए बस हो गया। बिरबल पूछा कि भाई ये बता, बिरबल पूछा महाराज बताओ ऐसा क्यों दंड हुआ, बोला देख चार को अलग अलग इसलिए दिया कि जो पहला वाला जिसको फांसी में झुलाने के लिए बोला हो ना, देख सेटिंग उटिंग करके भाग गया होगा, दूसरा जिसको आजीवन कारावास दे दिया हूँ ऑलरेडी भाग चुका है देख लें, ये थोतले हैं ये लोग, बड़े पापी हैं लोग, जिसको 8 कोड़ा मारने के लिए बोला हूँ मारने से पहले रो रहा होगा माफ़ी मांग रहा होगा, और जिसको कुछ नहीं दंड दे के देख लिया एक बार, चेक करो फांसी खुद लगा लिया होगा या लगाने के लिए गया होगा अभी, तो ऐसा ही आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अपना अपना लेवल है, मैं इसमें अपना वीरत्व और पवित्रता और आध्यात्मिकता और धार्मिकता को प्रमाण नहीं कर रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, नहीं, सत्य को स्वीकार करने का क्षमता भी होना चाहिए, गलती को स्वीकार करने का क्षमता भी होना चाहिए, गलती किया तो मान रहा हूँ, और ये से बोलने का कोई आवश्यक नहीं था इस वीडियो में, लेकिन बोल इसीलिए रहा हूँ कि आप लोग, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता तो है, भले आपसे डायरेक्ट बात करूँ नहीं करूँ, आज नहीं तो कल पहुँचोगे तो पक्का, ये जानता हूँ। इतना विश्वास में अगर कोई आदमी इतना पैसा भेज सकता है तो उस विश्वास में खरा उतरना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, और ये परिणाम भी दिखा देना चाहता हूँ कि अगर गलती से गलती हो जाए तो उसका दंड भी मिलता है, मिला है। बाप बड़ा कष्ट मिला, नहीं ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उतना भी मैं थोड़ा सा सेंसिटिव लग्न वाला हूँ, सेंसिटिव राशि वाला हूँ, रजिस्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इधर ठप्पा लगा दिया नाकी के ऊपर, ठीक है। सो आप आइंदा आपके तरफ से गलती ना करो, मेरे तरफ से गलती हो और दंड मिले तो मिले, और सर मिलता है, ये जो पंडित ब्राह्मण लोगों को आप जो दान दक्षिणा दे देते हो और ये सोचते हो कि ब्राह्मण लोग पंडित लोग हाथ नीचे करके दक्षिणा ले लेता है और उनको कुछ नहीं लगता, मेरे गुरुवाणी है, सोचो किसी का कैंसर हुआ हो और उसका रुद्राभिषेक करवाते हैं, उधर से वो ठीक रहता रहेगा 7 दिन, मेरे गुरु जी को कष्ट होता है,
मेरे खड़ी रत्न गुरु जी रुद्राभिषेक में बड़े मास्टर हैं, बोलते हैं कि मुझे 7 दिन भुगतना पड़ता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए, जब हम लोग काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें कुछ भुगतना पड़ता है, क्योंकि ग्रह ये बोलते हैं कि तू कौन है बे पंडित इसका दंड हटाने वाला। तीसरा ये कि ब्राह्मण हाथ नीचे करके क्या बोलता है, ब्रुणोस्मि, मैं तेरा दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ, मुझे दो। अब सोचो इतना सारा गायत्री मंत्र चंडी पाठ इत्यादि करने वाला, सूर्य आराधना त्रिसंध्या करने वालों को अगर हिट हो जाता है तो जो आम आदमी, जो लोग ठग ठुक के चलता है, उनका क्या नहीं होता होगा। देखो ग्रह एक मिनट के लिए माफ कर भी दें, भोला शंभु शिव शंभु श्रावण के महीना में एक लेके माफ कर दें, लेकिन उनके जो चार गण हैं, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगण भूतनाथ, ले तेरी हमरा तू खा लिया बे पंडित, ठुकाई कर देंगे बेटा, वो उनका कोई कंट्रोल स्विच नहीं है। स्वयं भोलेनाथ भी मना कर दे तो भी नहीं छोड़ने वाला है, कैसे ठीक है। तो बाप, पंडितों को दंड मिलता है सर। हर एक ग्रह शांति में मेरे दादा गुरु से मैं सुना भी हूँ कि जब करते करने जाते हैं, एक तो करना मुश्किल होता है, दूसरा अगर हो भी जाए तो उसका कष्ट इनको करीब करीब 7 दिन 8 दिन। मैं एक और एग्जांपल बहुत पुराना वीडियो में दिया था, आज से 2 साल 3 साल पहले, एक बीमारी है सर सिकलिंग, और ज़्यादातर बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ये बेल्ट में इस बीमारी का ज़्यादा है। बहुत ढूंढ के एक वैद्य मिला, उम्र करीब करीब 86-87, साल में 3 फेज का दवाई बनाता है, मैक्सिमम 7 अगर बहुत पेशेंट हो गए। उसके लिए एक मैं उसका प्रचार किया था, मुझे भी दंड मिला था। एक नपुंसक बकरी, नपुंसक हिंजड़ा बकरी जिसको बोलते हैं, जो पुरुष नहीं है जो नारी भी नहीं है, उसको इलाम होगा कि वो बकरी कहाँ है, उसको लाके बलि दिया जाता है। बलि देने के बाद उसको बहुत बड़ा पीतल के डेक में, हंडी डेक पात्र, उसको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद वो दवाई बनता है। एक बकरा में देसी गाय, शुद्ध देसी गाय का घी 50 किलो लगता है। वो दवाई बनाने के बाद माँ के पास उसको भोग लगाते हैं, समर्पण, भोग तो नहीं लगाते, समर्पण होता है। सिकलिंग ब्लड, सिकलिंग ब्लड नहीं बनता हो ऐसे रोगियों का 100% इलाज हो जाता था, लेकिन वो दवाई बनाने के बाद 7 दिन तक बेड में पड़ा रहता है। ऐसा ही अभी एक मेरा जो स्टाफ है पंडित, मेरा फूफा का लड़का है, मेरे एब्सेंट में पूजा वगैरह करता है। अभी ऐसा ही एक रुद्राभिषेक करने के लिए उसको भेजा था बाहर, आके 4 दिन से सोया है, वो कष्ट उसे मिल रहा है। आप लोग इस बात का विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो करते हैं उनको पता है कि उसका परिणाम तो हमें भुगतना होता है। कभी कभार किसी मांस बेचने वाले का बाय मिस्टेक कोई पूजा कर दिया, मांसाहार कोई होटल मालिक, मैं बड़ा डरता हूँ, और मेरे पास सबसे ज़्यादा ढाबा वाले हैं, ढाबा नहीं चला गुरु जी बताओ, डर के मारे छोड़ दिया, और फिर या फिर उनको वामपंथी साधकों को दे दिया, बहुत दंड मिलता है। उनका पैसा अगर आ जाए, अगर सोचो 21,000 कमाया तो बदले में 1,00,000 भी जा सकता है, तो वो उन साधकों को दे दिया जो बाम मार्गी साधक हैं, मैं डायरेक्ट नहीं करता उसको, और अगर करता हूँ तो बोलता हूँ कि देख मैं जाऊँगा तो तेरा दुकान से मांस मछली अंडा बंद करना पड़ेगा, तो फिर मैं उनको हाथ में थमा दिया, बोला तुम लोग संभाल लो।
ये कभी नहीं सोचना कि अपवित्र पैसा, पापग्रस्त पैसा अगर आपके पास आ जाए और आप बच जाओ, नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। और हम लोग दक्षिणपंथी हैं, मतलब वो बाम वाले मद मांस ये जो वगैरह वगैरह जो साधना है, एक टाइम था जब ऐसे गुरु मिले थे, लेकिन नहीं खा सकते तो नहीं करते। चलिए कॉल कट जो कट हो जाएगा अभी फिर से, तो ये आप लोगों को आखिरी अनुरोध है, प्लीज़ पॉसिबल है तो थोड़ा सा आप ये जो लोग मेरे पास भेजे थे वो लोग थोड़ा सा भेज दीजिएगा, ये प्रार्थना है आप लोगों को, प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस। और इसके बाद मैं वो एक्चुअली मैं बैठा था अभी सूर्य गोचर मकर राशि, थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल टाइम पीरियड है, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, सूर्य का ये गोचर का परिणाम क्या होने वाला है।